वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके फॉर नेक्स्ट एग्जाम। मैं हूं आपकी फ्रेंड कीर्ति। तो आज के वीडियो में हम हंटा वायरस, जो अभी रिसेंट में फिर से बहुत ज़्यादा सर्च में आ गया है क्योंकि चाइना में इसके कारण एक या दो लोगों की डेथ हो गई है अभी अकॉर्डिंग टू रिसेंट की न्यूज़ के। तो हंटा वायरस क्या है, कैसे ट्रांसमिट होता है, जो डिसीज़ है हंटा वायरस डिसीज़ कैसे ट्रांसमिट हो रही है, क्या सिम्टम्स हो कर रही है, क्या प्रिवेंशन है इसका, वो सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो हंटा वायरस है, सभी को यही लग रहा होगा कि चाइना में हुआ है सबसे पहले, बट ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं हम कि ये हंटा वायरस है क्या। वट इज़ द हंटा वायरसेस? तो इसकी एक जो कैटेगरी है, ये सिंगल स्ट्रैंड एनवेलप्ड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है। तो जो ऑर्थो हंटा वायरस, जो वायरस का फुल नेम क्या है, ऑर्थो हंटा वायरस, तो ये सिंगल स्ट्रैंड एनवेलप्ड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है। और जो इसकी फैमिली है हंटा वायरस की, जो फैमिली है उसका नाम क्या है, हंटा विरेडी। और जो ऑर्डर है इसका, वो क्या है, वनिया वायरल। ये नाम आप याद रखिए, मेन तो आपको याद रखना है कि ये नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है, और ये ऑर्थो हंटा वायरस इसका फुल नेम माना जा रहा है। और इसकी जो फैमिली है, क्लास है, तो वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, हंटा विरिडी फैमिली। तो अभी रिसेंट में जो चाइना में, चीन में कोरोना वायरस सबसे पहले डिटेक्ट हुआ, और उसके बाद जो चाइना जैसे तैसे करके कोरोना से निपट रहा, इवन पूरा वर्ल्ड निपट रहा है, अपना इंडिया की देख लो, बहुत सारी जगह लॉकडाउन है, कर्फ्यू है। तो अब इसके बाद चाइना में कोरोना वायरस को जैसे तैसे करके वो लोग ठीक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल में लाने की, अब वहाँ पर हंटा वायरस ने दस्तक दी है। तो अभी उसके दो केस हो चुके हैं, बट इसकी एक खासियत है हंटा वायरस की कि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं है कि एक आदमी को दूसरे आदमी से ट्रांसमिट हो जाए, छूने से हो जाए, बट ऐसा है नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, हाउ कैन ह्यूमन कैन बी इन्फेक्टेड विद द हंटा वायरस? तो हंटा वायरस से लोग हैं, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो कैसे इन्फेक्ट होगी? तो सबसे पहली बात है कि जो हंटा वायरस है, रोडेंट से, चूहों से ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये जो चूहों से ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन ये नॉर्मली जो वायरस है हंटा वायरस, रोडेंट्स में मिलेगा, रोडेंट्स को इन्फेक्ट करेगा, बट उनमें किसी भी तरीके की डिसीज़ क्रिएट नहीं करेगा। इसकी सबसे बड़ी बात यही है, दीज वायरस नॉर्मली इन्फेक्ट रोडेंट्स, दैट मीन्स चूहे, माइट, बट डू नॉट कॉज डिसीज इन डैम। तो जो हंटा वायरस है रोडेंट्स को इन्फेक्ट कर रहा है, बट उसमें किसी भी तरीके की डिसीज़ नहीं दे रहा, किसी भी तरीके की बीमारी नहीं हो रही है। ह्यूमन्स को ये बीमारी कैसे होगी, जब ये ह्यूमन्स हैं, जो भी रोडेंट्स, इन्फेक्टेड रोडेंट्स हैं, उनकी यूरिन, सलाइवा, फेसेस, इन सभी के कॉन्टैक्ट में आएंगे, तब जाके ह्यूमन पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करेगा। इसलिए हंटा वायरस से कोरोना की तरह उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होगा, क्योंकि रोडेंट्स को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो एयरबॉर्न इन्फेक्शन होगा, जो भी वातावरण में फैलने वाले जो भी वायरस है उनके कारण इन्फेक्शन होगा, उसको कंट्रोल करना इजी नहीं है, लेकिन हंटा वायरस इसको चाइना कंट्रोल कर लेगा, आई होप सो। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जो हंटा वायरस है इसका नाम कैसे पड़ा? तो जो हंटन नदी है, क्योंकि ये वायरस सबसे पहले साउथ कोरिया में डिटेक्ट किया गया था, ये बात आप याद रखिए कि सबसे पहले हंटा वायरस को कहाँ पर डिटेक्ट किया गया था, साउथ कोरिया में, और वहाँ की जो हंटन रिवर है उसी के नाम पर इस वायरस का नाम पड़ा, हंटा वायरस। और ये सबसे पहले साउथ कोरिया में 1976 में डिटेक्ट हुआ था, किस इंसान को, हो वोंग ली को, तो उसके लिए आइसोलेशन में रखा गया था। साउथ कोरिया में आउटब्रेक डिसीज़ मानी गई थी हंटा वायरस, बट उसके बाद अभी रिसेंट में चाइना में दो लोगों की डेथ हो गई इस हंटा वायरस के कारण। तो मेनली जो हंटा वायरस है किसके द्वारा फैल रहा है, रोडेंट्स की, जो फीसेस है, सलाइवा है, यूरिन, यदि उसके कॉन्टैक्ट में जो भी ह्यूमन बीइंग जाएगा, जो भी पर्सन जाएगा, उसको हंटा वायरस जो डिसीज़ है, ये हंटा वायरस डिसीज़ का नाम दिया गया वायरस है, वो होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि जो हंटा वायरस के कारण जो डिसीज़ हो रही है, उससे कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें दो तरीके की बीमारी देखने को मिल रही है, एक तो हेमरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम, और दूसरी हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। तो ये जो दोनों डिसीज़ हैं, एक तो जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रीनल सिस्टम है, उसको अफेक्ट करेंगी, और दूसरा पल्मोनरी सिंड्रोम, दैट मीन्स जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उनको अफेक्ट करेंगी।
नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि अर्ली सिम्टम्स क्या रहेंगे इस हंटा, जो हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम है उसके पहले हम देखते हैं कि हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम के क्या सिम्टम रहेंगे, फिर हम देखेंगे हंटा वायरस फीवर विथ रीनल सिंड्रोम। यहाँ पर जो दो टर्म है मैंने बताया कि दो टाइप की इससे बीमारी हो रही है, हंटा वायरस डिसीज जो हो रही है, एक तो हो रही है हेमरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम और दूसरी हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। सबसे पहले हम देखते हैं कि HPS हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यदि होता है तो इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होंगे, मीन्स जो भी ह्यूमन बीइंग, जो भी पर्सन जो इन्फेक्टेड रोडेंट्स हैं उनका जो फीसेस है और यूरिन है सलाइवा इसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्या सिम्टम्स होंगे HPS मीन्स हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। इसमें फटीग देखने को मिलेगा, थकावट होगी, फीवर, मसल एक्स अलोंग विथ हेडेक, डिजीनेस, चिल्स एंड एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स। और यदि इस कंडीशन को अनट्रीट छोड़ा जाए, ट्रीटमेंट नहीं मिले, तो इसके साथ साथ आपको कफिंग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और उसके बाद एक कंडीशन है जो फेटल हो सकती है पल्मोनरी, दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो अफेक्टेड होंगे और इसके कारण जो मॉर्टेलिटी रही अकॉर्डिंग टू CDC रिपोर्ट के हिसाब से तो 38% रही, मीन्स डेथ चांस कितने रहे 38%। तो ये तो हो गया हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। नेक्स्ट हम देखते हैं हंटा वायरस फीवर विथ रीनल सॉरी हेमरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम, यदि रीनल सिंड्रोम कोई अफेक्ट करता है तो ये इसमें सिम्टम्स इनिशियल सिम्टम है वो सभी HPS के जैसे होंगे, हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम के जैसे। और इसमें और क्या चीज़ें ऐड हो जाएंगी, क्योंकि इसमें रीनल सिस्टम अपना अफेक्टेड हो रहा है तो इसमें लो ब्लड प्रेशर, एक्यूट शॉक, वेस्कुलर लीकेज और एक्यूट किडनी फेलियर। तो जो HPS में जो सिम्टम हुए वो भी होंगे और सात इनिशियल सिम्टम्स हैं जो सेम रहेंगे स्टार्टिंग के सिम्टम HPS जैसे, बट यदि जो रीनल सिस्टम को यदि अफेक्ट करता है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल सी बात है, लो BP होगा, एक्यूट शॉक की कंडीशन होगी, वेस्कुलर लीकेज और एक्यूट किडनी फेलियर, तो ये कंडीशन देखने को मिलेंगी। बट जो हंटा वायरस इसकी एक खासियत ये है कि ये पर्सन टू पर्सन पास्ट नहीं होगा, HPS कांट बी पास्ड ऑन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम है एक पर्सन से दूसरे में पास नहीं होगा। बट जो HFRS है मीन्स हेमरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम है जो पीपल से पास हो सकता है बट बहुत ही रेयर केस में, तो इस जो हंटा वायरस सिंड्रोम है इससे न घबराने की ज़रूरत, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये है जो रोडेंट्स के कारण होगा, रोडेंट्स दूर रहेंगे, जो भी इन्फेक्टेड रोडेंट्स हैं जनरली उनके कारण हो रहा है, क्योंकि जो हंटा वायरस है रोडेंट से ट्रांसमिट हो रहा है बट जो रोडेंट इन्फेक्टेड हैं वो उन रोडेंट्स को उन चूहों में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, बट जो ह्यूमन बीइंग है इनको ये बहुत ज़्यादा अपनी चपेट में लेने वाला है। तो सबसे पहले कहाँ डिटेक्ट हुआ, साउथ कोरिया में, ठीक है, साउथ कोरिया में सबसे पहले डिटेक्ट हुआ, इसका नाम हंटा वायरस सिंड्रोम पड़ा क्योंकि जो हंटन रिवर है साउथ कोरिया की उसके कारणों पहली बार 1976 में डिटेक्ट हुआ। अभी रिसेंट में न्यूज़ में इसलिए ज़्यादा आ गया है, सर्च इंजन में बहुत ज़्यादा जा रहा है गूगल में, कि चाइना में दो लोगों की डेथ हो गई है अभी इसी हंटा वायरस सिंड्रोम के कारण। नेक्स्ट हम देखते हैं हंटा वायरस आर थॉट टू बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन मेनली थ्रू इनहेलेशन ऑफ एरोनाइज्ड रोडेंट्स एक्सक्रेटा और रोडेंट बाइट। तो जो हंटा वायरसेस हैं ये जनरली ह्यूमंस में कैसे पहुँच रहे हैं, कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं, जो भी रोडेंट्स की एक्सक्रेटा मीन्स फीसेस, सलाइवा और यूरिन है उसके कारण यदि इनहेलेस करते हैं, जो इनहेल करते हैं हम किसी भी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जाता है उनका मटेरियल उसके कारण, या फिर जो रोडेंट्स इन्फेक्टेड रोडेंट्स हैं उनके काटने के कारण। और हंटा वायरस के लिए वैक्सीन अभी नहीं बनी है, ये भी मैं आपको बता दूँ, इसका ट्रायल स्टार्ट किया गया था 2010 में, जो वैक्सीन बन रही थी इस हंटा वायरस के लिए 2010 और 11 में इसका थर्ड ट्रायल पर है, बट इसका जो फाइनल रिजल्ट फाइनल स्टेज पे इसका ट्रायल नहीं किया गया। और साथ ही साथ जो हंटा वायरस डिसीज़ है जो सबसे ज़्यादा अभी न्यूज़ में चाइना के कारण आई है, क्योंकि चाइना का जो एक सिटी है वहाँ पर इसके कारण दो लोगों की डेथ हो गई है। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।